टैमरिंड यानी इमली, जिसका नाम लेते ही मुंह में खटाई का टेस्ट आने लगता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। हेल्थ बेनिफिट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण ये दुनिया भर में यूज की जाती है। इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरे पड़े हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट भी। इमली के पूरे का पूरा पेड़, चाहे वो पत्ते हो, फूल हो, फल हो या तना, सभी को दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से ही इसे बहुत सारी जड़ी बूटियों में मिलाकर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। इमली को डेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका पल्प मुंह के टेस्ट को चटपटा कर देता है। गला खराब हो, इरिटेशन हो रही हो तो अक्सर लोग खटाई वाली चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं, बट माई डियर फ्रेंड्स, इमली के पल्प को पानी में डल्यूट करके जूस बनाकर पीने से या उस पानी से गरारे करने से खराब गला ठीक हो जाता है। कोल्ड और फीवर में भी इसका सेवन करने से राहत मिलती है। एक गिलास उबले पानी में एक टीस्पून इमली का पल्प डालकर पीने से कोल्ड से बचाव रहता है। भूख ना लगती हो, हैवीनेस की फीलिंग हो, दिल कच्चा हो रहा हो, बेचैनी हो, तो समझ लीजिए आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है। ऐसे में एक टीस्पून इमली के पल्प में काला नमक मिक्स करके कुछ दिन ले, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। इमली को फाइबर रिच होने के कारण नेचुरल लैक्सेटिव माना जाता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर खाने को जल्दी हजम होने में मदद करती है। इसका फाइबर बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। इसके लिए 2 टीस्पून इमली पेस्ट का कुछ दिन लेना फायदेमंद है। इमली खाने से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक डायरिया दोनों में ही आराम मिलता है। इमली को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बढ़िया माना गया है। इसमें पाए जाने वाला पोटेशियम ब्लड में सोडियम के इफेक्ट को कम कर ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाव रहता है। इमली की तासीर ठंडी होती है। इसे धनिया और पुदीना की चटनी में मिक्स कर खाना या छालों पे लगाना दोनों ही फायदेमंद है। हॉट एंड स्पाइसी फूड के कारण होने वाली जलन में भी ये आराम देती है। टैमरिंड इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। अनीमिया से बचाव कर शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आने देती, इसलिए अनीमिक लोगों को इमली का सेवन जरूर करना चाहिए। इमली में टैट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण इमली का टेस्ट खट्टा होता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है और कैंसर के खतरे को कम करती है। इमली में बी विटामिन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। बी विटामिन्स हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं और मसल्स की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इमली की एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज गठिया रोग को ठीक करने में सहायक है। इमली में नमक मिक्स कर अफेक्टेड एरिया पे लगाने से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इट इज़ गुड फॉर वेट लॉस ऑल्सो। ये बॉडी में फैट स्टोर करने वाले एंजाइम को रोक कर वेट लॉस में मदद करती है। ये हंगर पैंग्स को भी दबाती है, इसलिए अपनी डेली डाइट में इसे शामिल कीजिए और वेट लॉस के फायदे लीजिए। पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। एक टीस्पून पल्प को पानी में डल्यूट कर देने से राहत मिलती है। टैमरिंड जूस जॉन्डिस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो लोग थायराइड डिसऑर्डर के कारण परेशान हैं, उन्हें भी अपनी डाइट में इमली को शामिल करना ही चाहिए। इवन माइल्ड सनस्ट्रोक में भी इमली का पानी पीना फायदेमंद है। इमली की पेस्ट डायबिटिक्स के लिए भी बढ़िया है। ये खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लो रखती है। इमली खाने से ब्लड प्योरीफाई होता है। इसे खाने से विटामिन सी की कमी नहीं होती और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। माइक्रोबियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाव रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इमली को डाइट में इंक्लूड करना बढ़िया माना गया है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ योर हेल्थ एडवाइजर। इमली के टुकड़े पर काली मिर्च और नमक लगाकर चाटने से मॉर्निंग सिकनेस से बचाव रहता है। जैसे कोई भी खाने की चीज़ बेहिसाब खाई जाए तो फायदे की जगह नुकसान देती है, इसी तरह इमली भी एक दिन में 8-10 ग्राम से अधिक नहीं खानी चाहिए। वैसे भी इमली खून को पतला करती है। अगर आप खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हो तो इमली को बहुत अधिक ना ही खाएं। जो इमली मार्केट में रॉ फॉर्म में मिलती है वो पॉड्स में यानी ब्राउन बारीक छिलके के अंदर बीन्स जैसी दिखती है और बॉक्सेस में पैक्ड रहती है और खाने में लाजवाब होती है। मेरे जैसे लोग जो बहुत अधिक खटाई पसंद नहीं करते, उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसे आप कुछ महीनों के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। ये सुपरमार्केट्स में, ग्रॉसरी शॉप्स और फलों की दुकानों पे आराम से मिल जाती है। छिलके के अंदर और डिब्बों में पैक होने के कारण ये हाइजीनिकली भी सेफ है। खाने के बाद अगर आप एक टुकड़ा रॉ इमली का मुंह में डाल लेते हो तो इससे आपका टेस्ट तो बढ़िया होगा ही, साथ में बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे।
रॉ इमली के अलावा इसकी प्रोसेस्ड फॉर्म भी मार्केट से मिलती है। इसकी पेस्ट बनाई जाती है, कैंडीज बनाई जाती हैं, सुखाकर पाउडर किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसे प्रोसेस किया जाता है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जाती है। अगर आपको प्रोसेस फॉर्म में लेनी भी हो तो अच्छे ब्रांड की लें और उसे रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करें। कुछ लोगों को हो सकता है इसकी खटाई सूट ना करती हो या उन्हें इससे एलर्जी हो, वो इसे अवॉइड ही करें। बाकी आप सब मेरे जैसे खाने के बाद एज अ स्वीट डिश इसे ले ही सकते हैं। स्टे हेल्थी, स्टे हेल्थी।